बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी पार्ट वन और चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स टू और टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स यू नो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राइट इस टॉपिक में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स या फीचर्स स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के राइट और इसकी स्टडी के लिए हम चलते हैं एक एनिमेशन की तरफ इड्रेट्स एंड टू इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट ये एनिमेशन आपको क्या दिखा रही है चार डिफरेंट किस्म के फूड स्टाफ नंबर वन इज बनाना जिसे हम केले बोल रहे हैं नंबर टू इज डेट्स जिसे हम खजूर बोलते हैं आई नो आप लोगों को मतलब आता है लेकिन आप उन लोगों के बारे में भी सोचें जो जो इस लफ्स को शायद पहली पहली दफ़ा सुनने होंगे तो आई वॉन्ट कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर कर चलूँ और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की जो फाउंडेशन है उसे बहुत स्ट्रेंथन कर दूँ और इसी परपज़ के लिए इवन मैं डेट का मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ देन ग्रेप्स जिससे हम अंगूर बोल रहे हैं एंड देन द फिग जैसे हम अंजीर बोल रहे हैं नाउ लुक मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ आप इन तस्वुर में लाएँ कि आप इन में से मुख्त चीज़ें खा रहे हैं और आप ये सोचें कि ये मॉलिक्यूल आपको किस कदर मीठे लग रहे हैं राइट नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेप अब जरा सेकेंड स्टेप की तरफ करके देखिए आपने एक चम्मच चीनी मुँह में डाल डाली है या आप लोगों ने एक चम्मच माल्टोज यूज़ कर लिए हैं या फिर आप लोगों ने लेकटोज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दूध बोलते हैं उसे एक चम्मच आपने डाल लिया है राइट आप आप इस ग्रुप को कंपेयर करें किसकी टर्म्स में मिठास की टर्म में किस ग्रुप के साथ पहले ग्रुप के साथ राइट एक नकली यहाँ रुकते हैं और एक और कदम आगे बढ़ते हैं अब जरा देखिए मैंने आपसे ये कहा कि आप एक निवाला चपाती का लें फिर उसके बाद एक वुड या पेपर आप उसे चबाना शुरू कर दें आपका क्या खा है? अब ये आपको मीठा लगा तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि सर नहीं ये जो लास्ट है तो बिल्कुल भी मीठा नहीं लेकिन मुझे ये वाली भी उम्मीद है कि आप बोलेंगे कि जो इससे पहले वाला ग्रुप था मीन सुक्रोज माल्टोस लेक्टोज वाला वो मीठा तो था लेकिन वो जो हमने पहला ग्रुप स्टडी किया था मेन जिसमें बनाना डेट्स ग्रेप्स और फिक की बात की थी डेफिनेटली उतना मीठा नहीं राइट right? इसका मतलब ये हुआ मेरे पास डियर स्टूडेंट्स कि जो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं तब तक उनकी मिठास कम होती चली जाती है यहाँ तक कि लास्ट ग्रुप दैट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप एंड इट फॉलो इट इज ऑल टूगेदर वॉट देन लुक एट दिस कि अगर हम अब एक और पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं और वो पैरामीटर मेरे पास क्या है सोलबिलिटी राइट अगर आप मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं तो दे आर रेडिली एंड क्विकली सोलबल थॉरली सोलबल इन द वाटर लेकिन अगर आप लोग सेकेंड ग्रुप की तरफ मूव कर जाएं दैट इज बेसिकलीगोसेक्राइड और डाई और आप लोग अब एक चम्मच दूध का पकड़ें उसे डिजॉल्व कर दें कहा पानी में तो यू कैन सी कि अब जो तो सोल्यूशन है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना पहले था उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सोलिबिलिटी और कम हो गई अब हम चलते हैं आटे की तरफ दैट इज स्टार्च मीन्स पॉलीसैक्राइड अब देखें जो ही मैंने इसको पानी में डाला है तो थोड़ा सा जो आटा है वो डिजोल्व हुआ लेकिन जो बाकी सारे का सारा आटा है वो क्या हो गया तेरे हो गया अंदर बैठ गया वो मजीदार नहीं हो रहा तो गहरे ये चाह रहे हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो सोलिबिलिटी क्या हो गई है बहुत ज़्यादा कम हो गई अब हम चलते हैं एक आखिरी मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप की तरफ दैट इज कॉल्ड है सविलोज अब देखिए सेलुलोज में टिश्यू पेपर की बात कर करें या वुड की बात कर करें आप इसे पानी में डाल के बैठे रहें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसका मतलब ये होगा कि सोलबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी राइट आई होप के इन सारी बातों के बाद आप लोगों को बिलीव हो गया होगा कि हम जिन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं दे आर वेरी वाइटल फॉर अस दे आर दे आर बेसिकली प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से स्ट्रक्चर रोज एंड फंक्शनल रोज इन योर बॉडी अगर हम लोग फंक्शनल रोल की बात करें तो दिस वेरी काबॉल इट इज लाइक द फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरी जिनरस मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एस वर्ट द ए टी पी और अगर हमारी बॉडी में ए टी पी है तो हम इलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और अगर ए टी पी नहीं है तो हम इेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते राइट right? ये ए टी पी कैसे बनता है इसे हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे नाउ वी वॉन्ट टू स्टडी द बायो केमिस्ट्री ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन डिटेल सो लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड डॉक्टर्स हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स यमी मॉलिक्यूल्स मीठे मॉलिक्यूल्स राइट और इसमें हम नंबर वन पर स्टडी कर रहे हैं इसके अबंडेंस तो ये काफ़ी अबंडेंट मॉलिक्यूल्स है प्लांट बॉडी के अंदर भी एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी और हमारी सराउंडिंग में भी और इनको हम अंडरस्टेंड करेंगे बाई मीनस ऑफ हिट्स आरकिन एग्जाम्पल जैसे भी बने आपको एनिमेशन में दिखाया कि हमारे पास इसकी तीन मेन टाइप्स हैं एक हम लोग बोलते हैं व्हाट मोनोसेकराइट ठीक है एक वो बोलते हैं क्या मोनोसेकर और दूसरे को हम नाम देते हैं क्या डाइसेकराइड्स और तीसरे को हम नाम देते हैं वट पॉलीसैकराइड्स और जो एग्जाम्पल्स आपके माइंड तो में हमेशा रहनी चाहिए रिगार्डिंग थ्री क्लासेस तो उसमें से जो पहली चीज मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है फॉर एग्जाम्पल बनाना फॉर एग्जाम्पल डेट्स दैन फिक फॉर एग्जाम्पल एंड देन ग्रेप्स ये सारी की सारी मोनोसेक्राइड्स एग्जाम्पल्स और डाई में शुगर ऑफ मिल्क शुगर ऑफ मिल्क जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं शुगर ऑफ शुगर केन उसके लोग बात कर लेते हैं एंड फ्रूटिंग शुगर्स की बात कर लेते हैं तो ये मेरे पास डाई सेक्राइड की एग्जाम्पल है यानी कि ये वाला ग्रुप ज़्यादा मीठा है इस ग्रुप से और अगर हम आखिरी ग्रुप की बात करें तो पॉलीसेक्राइड में आप लोगों के पास एग्जाम्पल है वॉट स्टार्चेस तो आप किसी भी स्टार्च को देखें वो बिल्कुल फीका होगा आप लोग जो कॉटन की चीज़ें पहनते हैं वो जो आप लोगों का पेपर है टिश्यू पेपर है वो और फिर आखिर में जो पॉलीसक्रेड की एग्जाम्पल है वो क्या है स्टूडेंट्स सेडुलस और अगर आपको आखिरी बात बताना चाहूँ तो वो क्या है स्टूडेंट्स ग्लाइकोजन ये आप लोगों के मसल्स और लिवर में स्टोर होता है तो अगर आप कलेजी खाएंगे तो उसमें से आपको सब ग्लाइकोजन भी मिलेगा क्योंकि ये हमारी कलेजी में स्टोर होता है या हमारे मसल्स में स्टोर होता है राइट right. अब हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके मेरी बॉडी में कौन कौन से रोल हैं तो आंसर इज इसके दो रोल हैं नंबर वन इज फंक्शनल रोल कि मेरी बॉडी में ये क्या क्या कर सकता है तो आंसर इज कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आर फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इसका क्या मतलब है माई डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को आलू वाला समोसा खाने को दू राइट तो आपको ये पता है कि आलू कार्बोहाइड्रेट वो जो समोसा पट्टी है वो भी कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने साथ कीमा भी डाल दिया वो जो कीमा है वो प्रोटीन है और जिस तेल में इसको तला है वो लिपिड है इसका मतलब ये हुआ कि जब आप समोसा खा रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तीनों चीज़ें खा रहे तीन राइट अब इन तीनों चीजों में से आपको सबसे पहले एनर्जी से से मिलेगी से मिलेगी ज़ाहिर कार्बोहाइड्रेट में तो ये मेरे पास वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन एक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है एनर्जी स्टोरेज का काम कर रहा है एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है किसके अंदर मेरे मसल्स में राइट अब हम देखेंगे कि मेरी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मीस लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी बनी हुई है आई वॉन्ट टू डिस्कस स्ट्रक्चरल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो मैंने आपसे क्या बोला स्टूडेंट्स कि आपके सराउंडिंग में जितनी वुड है कॉटन है पेपर है राइट right? टिश्यू पेपर है जूट है जिसे हम पटसन बोलते हैं राइट right? ये सारे के सारे फाइबर्स ये किसके बने हुए हैं डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स फिर इसके अलावा आप देखें तो आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन के जितने रिसेप्टर्स हैं जितने उसके सरफेस के ऊपर लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो वो क्या होंगे ग्लाइकोलिपिड्स और या फिर होंगे ग्लाइको प्रोटीन्स तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या बना रही हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन का इंटेग्रल पार्ट राइट नाउ टू डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे मैंने आप सभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि ये लेम आइडेंटिफिकेशन है लेमे मीन आम बंदे से कैसे पहचान सकता है तो मैंने बोला बाय इट्स स्वीट टेस्ट इसका जायका जो है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है मीठा होता है तो हर बंदा मीठा मीठे Uh, मॉलिक्यूल को देखे कह सकता है कि ये डेफिनेटली को कोई कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है लेकिन हमें ये वाली बात भी पता है कि जो जो ये कॉम्प्लेक्स होंगे इनकी मिठास कम होती चली जाएगी यहाँ तक कि पॉलीसेकेराइड बिल्कुल टेस्टलेस हो जाते हैं इस समातिक सिर्फ मीठा जायका स्टैंडर्ड नहीं है तो हम बींग स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं बाई ऑफ अ टेस्ट और उस टेस्ट का नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है बेनेडिक्स टेस्ट बेनेडिक्स यह यह टेस्ट हाउ वी परफॉर्म इट यहां देखते हैं ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है और उसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल 1.5 पॉइंट और 2 में ले लिया क्या ग्लूकोज सॉल्यूशन अगले स्टेप पे देखें मैं क्या कर रहा हूं अगले स्टेप पे मैंने इक्वल अमाउंट में इसमें ऐड कर दिया है लुक एट दिस ये है बैनडिक सॉल्यूशन वो बैनडिक मैंने ऐड कर दिया अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको एक uh, प्लेम पे बहुत जेंटली बहुत आराम से क्या कर रहा हूँ हीट कर रहा हूँ मेरी असल में ये जो सोल्यूशन है ये हीट ये टेस्ट ट्यूब में से बाहर आ सकता है इसलिए हमें बहुत केयरफुली इसको हीट करना है बेस्ट वे तो यह है कि बिजली वाटर बाथ यूज़ करें लेकिन देखिए मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो हीट करने के बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है क्या आहिस्ता 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 आिस्ता आसा कलर जो है वो क्या हो गया चेंज हो गया राइट वॉट वॉज द इनिशियल कलर इनिशियल कलर था स्टूडेंट्स कॉपर ब्लू और जू जू इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है ग्लूकोज की तब तब इसका रंग भी तेज होता चला जाता है मीन चोखा होता चला जाता है राइट right. के रिजल्ट को नॉर्मली मैं इस ट्राई से शो कर रहा होता हूँ ऐसे लुक यूके ट्राई एंगल है यहां पे आप लिख सकते हो विप वी आई बी विप जी वाई ओ आर विप क्योर आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने कि लाइट सेवन कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वही बात यहाँ पे कि भाई अगर तो कलर है ब्लू तो इट मीन्स देयर इज नो ग्लूकोज हमारे पास कोई ग्लूकोज नहीं है लेकिन अगर कलर हो गया मेरे पास ग्रीन तो इसका मतलब यह है कि आप इसके अंदर इतना ग्लूकोज डेफिनेटली वो ब्लू जितने ग्लूकोज से ज़्यादा है फिर अगर मैं अगली फेज में जाऊं तो ग्लूकोज मेरे पास और बढ़ गया तो जब ग्लूकोज और बढ़ेगा तो कलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास येलो फॉर एग्जाम्पल फिर जब ग्लूकोज मेरे पास और बढ़ा तो कलर कैसा हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स यस ऑरेंज हो गया और जब कलर हुआ मेरे पास क्या रेड तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज मैक्सिमम तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला टेस्ट इस्तेमाल हो सकता है वेरी कॉन्फिडेंटली टू डिस्क्राइब के वहाँ पे प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स या नहीं राइट right. और अगर आपके पास हुए स्टूडेंट्स टेस्टलेस टेस्टलेस का मतलब है बिल्कुल फीके के सबके कार्बोहाइड्रेट्स हुए मीन तो उसे कहिए डेफिनेटली क्या होंगे पॉलीसेकेराइड्स होंगे और अगर ये आप लोगों के पास पॉलीसेक्राइड्स हुए तो फिर इसका सिंपल सा टेस्ट ये है क्या आप इसके साथ मिला दोगे आयोडीन सोल्यूशन तो जब आप इसके साथ आयोडीन सोल्यूशन मिलाओगे तो कोई ना कोई रंग बनेगा मिसाल के तौर पे अगर ब्लू ब्लैक हुआ क्या हुआ स्टूडेंट्स अगर तो बना ब्लू ब्लैक तो इसका मतलब है कि यहां पे प्रेजेंट है स्टार्चेस राइट और अगर हो गया ये रेड तो इसका मतलब यह कि यहाँ प्रेजेंट है ग्लाइकोजन और अगर कोई चेंज ना आई आयोडीन आयोडीन के रंग ही की रही लीज ब्राउन ही रही तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट है तो इस तरीके से हम थ्रू केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से शुगर प्रेजेंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का तो दुनिया में कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है स्टूडेंट्स फोटोसेंथेसिस वो क्या है स्टूडेंट्स फोटो सिंथिस और आपको पता है फोटोसेंसम क्या करेंगे हम सीओ टू को मिलाएंगे वाटर के साथ इन ऑफ सन और हमें क्या मिल जाएगा जाहिर है और रिलीज हो जाएगी क्या ऑक्सीजन और वाटर तो फोटोसिंथेसिस वो जरिया है जिसके जरिए से हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर्स राइट सो नाउ वी वांट टू द बोर्ड एंड दैट इज द टॉपिक कि हम स्टडी करने वाले हैं डेफिनेशन और देखिए मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन नंबर वन टू एंड थ्री हम तीन डेफिनेशन स्टडी करेंगे पहली डेफिनेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ किसके बने हुए हैं कार्बन राइट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन तीन चीजों के बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट है हमने किया क्या हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस किया इसका तो हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वो ही है जो वाटर में होती है यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन सारे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली मोनोसेक्राइट की कि मोनोसेक्राइट के केस में ऐसा ही है कि जितने मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वॉटर भी होंगे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास हुआ C3 तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बच्चे थ्री तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास सी थ्री सिक्स ओ थ्री तो इस थ्री नंबर ऑफ कार्बन में एच और ओ की वो ही कंपोजिशन है जो वाटर की है तो इसे वैसे से क्या बोलते हैं कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास C4 हुआ तो फॉर्मूला बनेगा C4H8O4 और अगर 5 वाला हुआ तो C5H10O5 और ये क्या बनेगा C6H12O6 कैसे बनाइए ऐसे C4H2O4 राइट सी फाइव एज टू भी कितने हो गए फाइव और सी सिक्स तो एज टू भी कितने हो गए सिक्स राइट right. तो जिसमें तीन कार्बन एटम हैं हम उसे कहते हैं स्टूडेंट ट्राई ओस इसे बोलते हैं टेट्रोस इसे बोलते हैं पेंटोज तो इसे बोलते होंगे नो 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 इट इज कॉल्ड एस हेक्सोज क्योंकि इसमें छह कार्बन एटम राइट सो so, ये हैं हमारे पास एविडेंसेस दूसरी डेफिनेशन की वो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास डेफिनेशन नंबर टू इज हियर के कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन माय डियर स्टूडेंट्स मुझे ये कहने दें कि ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह इज़्ज़त सकते हर कार्बन के हाथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ा दिया तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं और वो जो मेरे पास जनरल फार्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स सी एन एच टू ओ एन यानी कि जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे लेकिन मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स ये कहाँ तक ट्रू है मोनोसेक्राइड्स तक डाइसेक्राइड में और पोलीसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम वाटर मॉलिक्यूल के बराबर नहीं रहते तो फिर हम इस जनरल फार्मूला को मॉडिफाई कर देते हैं कैसे सी एक्स एच बिकॉज कि हर दो मोनोसेक्राइड के जुड़ने के दौरान में एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है इस कॉन्सेप्ट की वजह से सॉरी इस रिएक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के नंबर कार्बन हाइड्रोन के बराबर नहीं रहता अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन नंबर थ्री की तरफ डेफिनेशन नंबर थ्री इज के कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर जी क्या है पॉलीहाइड्रोऑक्सी एंड ऑक्सी अब डियर स्टूडेंट्स समझने वाली यहां पे तीन चीजें नंबर वन कि व्हाट आर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीहाइड्रो अब स्टूडेंट्स पॉली का मतलब होता है मैनी राइट और हाइड्रो ऑक्सी का मतलब होता है ओ एच ऑयंस तो जिस मॉलिक्यूल के पास दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा क्या हो स्टूडेंट्स ओ एच रादर ये बल्कि कॉन्सेप्ट में ठीक करेगा जिसके अंदर एक से भी ज्यादा ओ एच ऑइंस हो हम उसे कह देते हैं कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स राइट हम इसे पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कहते हैं ये हम अगली दफा देखेंगे अगले कॉलम में देखते हैं सो so, पहली बात यह है कि इस डेफिनेशन का पहला वर्ड आपको समझ आ गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोआक्सी इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओ एच आयन्स होंगे दूसरी बात हमने ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये एल्डिहाइड्स क्या होते हैं ये एल्डिहाइड क्या है right? राइट अंडरस्टैंड करते हैं इसके लिए हमें सारा पड़ता है मिस्टर वर्ड का या मिस रिवर्स का आप मुझे बताएं क्या मिस्टर वर्ड या मिस रिवर्स को कैसे पहचानेंगे तो आंसर इज री सिंपल थ्रू इट्स क्राउन ऑक्सीजन जो सर पे क्राउन पे डाला होता है उसे पता चलता है कि ये सेंटर में खड़ा हुआ या सेंटर में बैठी हुई मोहतरमान सर पे एक क्राउन पहना हुआ तो हम यहाँ पे एक यूनिवर्स का सहा लेते हैं वो उस मिस यूनिवर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीजन के क्राउन के साथ राइट इस बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की मिस यूनिवर्स का नाम है कार्बोनाइल कार्बन carbon. अब अगर इस मिसरीवर्स मीन कार्बोनाइल कार्बन के एक हाथ में कम से कम एक हाथ में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम इसे बोलते हैं एल्डिहाइड तो दूसरा हाथ में क्या होना चाहिए आर सो जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड आपको ये बात बहुत वक्त आ चुका हूं कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है कार्बन के चार हाथ होते हैं दो हाथ ऑक्सीजन जनरल थामे हुए हैं और कम से कम उसके एक हाथ में ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाथ में आ प्रेजेंट तो उसे क्या बोलते हैं एल हाइड ये बात आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए अब हम स्टडी करते हैं माइ डे स्टूडेंट्स के हम कीटोन किसे बोलते हैं तो आंसर एज टू कैटेस ये है कि टोन अब भी मेरे पास यही मिस यूनिवर्स है बस अफ्रीका से है इसलिए थोड़ी ब्लैक हो गई है इस काबूदल कार्बन के अब दोनों हाथों में क्या होना चाहिए आर इधर भी रेडिकल होना चाहिए इधर भी रेडिकल होना चाहिए अब मेरा ख्याल है कि आप नाइन टेंथ में केमिस्ट्री में पढ़ के हैं कि रेडिकल कैसे बनता है फिर भी जस्ट फॉर टू इनकलकेट द कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल ये देखें अगर आपके पास ये सी एच फोर है जिसे हम मीथेन बोलते हैं अगर इसमें से मैं एक एच को माइनस कर दूं, तो ये बन जाएगा वॉट मिथाइल ये मिथाइल रेडिकल है ये मिथाइल रेडिकल क्या हो सकता है सी एच थ्री भी हो सकता है ये इथाइल भी हो सकता है सी टू एच फाइव ये प्रोपाइल भी हो सकता है मीन्स कार्बन चेन काफी लंबी भी हो सकती है सबसे छोटी भी हो सकती है लेकिन बहरहाल उस कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं आर तो ये वाला आर अगर यहां भी है और यहां भी है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये बन गया है कीटोन राइट right. आई हम इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट कॉलम जी माय डियर स्टूडेंट्स हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन राइट right. और देखते हैं हम लोग इसके लिए फार्मूला था मेरे पास स्टूडेंट सी थ्री एच टू ओ थ्री राइट अब आप इस कैसे ड्रॉ करके देख सकते हैं ओपन चेंज स्ट्रक्चर की फॉर्म जब मुझे तरह बनाना आ जाएगा तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि हाँ ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है या कीटोन ही है तो कैसे करेंगे हम उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले कार्बन वन फिर टू और फिर थ्री मैंने डेलीबरेटली एक कार्बन नहीं लिखी थी यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ वो कार्बन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये ये है मेरी मिस यूनिवर्स मींस कार्बोनाइल कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन का ऊपर ऑक्सीजन का क्राउन शामिल है और एक हाथ में एच राइट राइट बाई स्टूडेंट्स अब हमने एक वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की कैसे पूरी करेंगे वन टू थ्री फोर इस कार्बन के चारों हाथ पूरे हो गए आपको डेफिनेशन याद है ना कि अगर नंबर पे मैंने क्या करना है कि मैंने इनको वाटर सप्लाई करना है अल्लाह से लगता है तो हर कार्बन के एटम में वाटर पकड़ा दिया हर कार्बन एटम के हाथ में वाटर पकड़ा दिया तो मैंने वो भी कर लिया एक्सेप्ट वो वाली कार्बन के जो कार्बोन कार्बन है वन टू थ्री फोर वैलेंसी चार हो गई क्या पूरी क्या इसकी वैलेंसी पूरी है वन टू थ्री तो आंसर इज लो इसके यहाँ पर अभी और एक एच और आएगा अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो थ्री नजर आ रहे हैं वन टू और थ्री अगली बात देखते हैं कि क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है तो आंसर इज यस क्योंकि इसमें दो ओ OH एच है तो नंबर ऑफ ओ एच दो एक से ज्यादा हो गया इसलिए बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अब क्या इसके पास मिस यूनिवर्स है यस क्या उसके हाथ में एक एच है तो यस अब ये मेरे पास एक तीन कार्बन एटम वाला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है राइट right? अब हम क्या करते हैं कि हम इसका एक हम इसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स एक कीटोन भी बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे अगेन देखिए वन टू और थ्री अब मैं कीटोन कैसे बना सकता हूं कि जब मैं इसके इधर भी वॉटर लगाऊं और इसके इधर भी वॉटर लगा दूं तो क्या ख्याल है ये गई कार्बन ये भी बच गई कार्बन इसका मतलब ये होगा कि ये भी एक आर है और ये भी एक आर है अब ये दो आर है लेकिन ये दोनों आर किसके हाथ में है मिस यूनिवर्स के हाथ में राइट तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास एक पॉलीहाइड्रो ऑक्सी याद यादर मैंने क्या बोला था कि कीटोन वाले केस में एक एक क्राउंड कार्बन है विद ऑक्सीजन और इसके दोनों हाथों में क्या है आर आर तो एक आर मेरे पास ये हो गया और एक आर मेरे पास ये हो गया राइट right. अब देखते हैं कि क्या इसके तो देखते हैं वन टू थ्री नो यहां पर भी मुझे एक एच और लगाना है सिमिलरली यहां पर भी वन टू और थ्री और एक एच मुझे यहां लगाना है ये बन गया मेरे पास पॉलीहाइड्रो कीटोन आए एक प्रैक्टिस करते हैं कार्बन नंबर सिक्स वाले कंपाउंड की कैसे करेंगे हम लोग एंड फाइव मैंने क्या बोला था सिक्स वाले की मैंने क्यों लिखा बिकॉज सिक्स कार्बन इज समर हेयर दैट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन एंड इट हैज वॉट अ एच इन देंड राइट ये बन गया मेरे पास एक सिक्स कार्बन की चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगला काम क्या था कि हमने हर कार्बन के हाथ में वाटर मॉलिक्यूल पकड़ा देना है तो वी आर गिविंग इट ये ओ एच एंड एच वाटर देन अगेन वाटर देन अगेन वाटर अगेन वाटर एंड वाटर मुझे सबकी वैलेंसी सही लग रही है स्वाइव वन और को टेस्ट करते हैं ओ ओ ये तो ठीक ठीक है 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 लेट्स सी द वन और ये अगर मेरी बात तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स राइट काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके यस ट नॉट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टाइन थिंग इज वॉट ऑक्सीजन सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स परफेक्ट तो यह बन गया मेरे पास क्या एक सिक्स कार्बन वाला पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डीहाइट राइट पॉलीहाइड्रो ऑक्सी वॉट एलडीहाइट लेकिन चूंकि इसमें सिक्स काबर तो सर बोल सकता हूं कि ये एक क्या है एल्डो हेक्सोज है एल्डो हेक्सोज आपको पता है हेक्सोज का मतलब है इसमें 6 का बने और एल्डो का मतलब है इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है दिस वन लेट्स मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग अब हम क्या करें स्टूडेंट्स हम एक और चेन ड्रॉ करते हैं 1 2 फॉर एग्जांपल 3 4 फाइव एंड सिक्स किया क्या कि मैंने थर्ड कार्बन को बना दिया है कार्बन या कार्बोन कार्बनिवर्स राइट बाकी क्या करूंगा सबके हाथ में water लगा और वाटर लगाने के बाद अब सिर्फ मेरा एक ही काम रह जाएगा कि मैं यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दू तो देखते हैं कि मुझे डाउट किसिस का वन के बारे में है। शायद वन के बारे में और थ्री के बारे में और सिक्स के बारे में वन के बारे में टेस्ट करते हैं वन टू थ्री यहां इसको चेक करते हैं वन टू थ्री यहां पे भी मिसिंग है यहां पे लगा दिया इसको चेक करें इसको तो क्या आ रहा है वन टू थ्री फोर इट्स ओके राइट अब देखो कि ये मेरे पास एक आर है राइट right? और ये मेरे पास एक आर है और ये दोनों आर किससे कनेक्टेड है काबूदल के साथ तो ये बन गया मेरे पास एक कीटो हेक्जोस। कीटो हेक्सोज। यानी के एक ऐसा सिस्टावन कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है कीटो ग्रुप राइट right? इसके एग्जाम्पल है मेरे पास स्टूडेंट्स व्हाट? ग्लूकोज और कीटो शुगर की बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास क्या है फ्रुक्टोज़ राइट right? आप लोगों की बुक में मोनोसेकराइड की तीन एग्जाम्पल गिवन है एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेकर तो माई डियर स्टूडेंट्स आपको तीन नाम याद रखने नंबर वन इज ग्लूकोज नंबर 2 इज फ्रक्टोज एंड नंबर 3 इज लैक्टोज सॉरी गैलेक्टोज गैलेक्टोज राइट तो ये तीनों एग्जांपल्स आपके माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि जो किसके मुतालिक हैं जाहिर है मोनोसैकेराइड के मुतालिक हैं राइट है, है. right? इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपने ये देखा कि हम गुरु हम का बहुत ही को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर आपने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के बॉडी में रोल को अंडरस्टैंड करें फिर हमने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को आम वीबी और फिर केमिकल टेस्ट के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिर अभी देखें कार्बोहाइड्रेट का, का सोर्स हमारे पास क्या है फिर आप तीन आपने तीन डिफ्रेंस देखी कार्बोहाइड्रेट की और इवेंचुअली आपने मोनोसैकेराइड के ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने देखे और फाइनली आपने ये देखा कि इसी कौन कौन से एग्जाम्पल है आज की आखिरी एक मिनट की बात बता रहा हूं आप लोगों को इन बीच से आप कोई भी पाउडर लें क्या क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने से आपने ग्लूकोज का पाउडर लिया जरा आप बात को आपने गौर से देखना है आपने ग्लूकोज का पाउडर लिया स्टूडेंट्स बात को तो जरा तो गौर से जब ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में होता है तो वो ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन जो ही मैं उसे पानी में डालता हूँ ही मैं उसे किस में डालता हूँ स्टूडेंट्स वाटर में ऐड करता हूँ तो ये वाली ओपन चेन एक क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है वाटर की बात कर रहा हूं कि जब मैं उसे वाटर में डालूंगा तब ये काम होगा कि वो एक क्लोज चेन क्या बन जाता है कार्बोहाइड्रेट बन जाता है राइट right? अब अगली बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा गौर गौर से सुनने वाली पहली बात चेन बनेगी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और देखिएगा कि जब चेन बनेगी तो आखरी कार्बन चेन सॉरी जब रिंग बनेगा आई कि जब रिंग बनेगा जब रिंग बनेगा तो आखिरी कार्बन रिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं होगी राइट right? तो फिर रिंग किसके दरमियान में बनेगा उस कार्बन के दरमियान क्राउंड विद ऑक्सीजन एंड एंड सेकेंड लास्ट कार्बन ये सेकेंड लास्ट कार्बन रिंग हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन और काबोदल कार्बन के दरमियान में डेवलप होगा आखिरी चेन सॉरी आखिरी कार्बन रिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं होगी अब इसको जहां ड्रॉ करके देखते हैं ये देखें ये है मेरे पास कार्बन नंबर वन रेड थी मैं उसको रेड ड्रॉ कर रहा वन कैसी थी रेड मैंने रेड ड्रॉ कर दी उसके बाद सारी कार्बन ब्लैक वो क्या है C2, सी पांच कार्बन। अब रिंग बनेगा कार्बन नंबर वन के दरमियान में और कार्बन नंबर सिक्स सॉरी फाइव के दरमियान में बिकॉज के लास्ट कार्बन रिंग बनाने में हिस्सा नहीं लेती आप नीचे इसे सवाल कर सकते हैं कि सर अगर काबर नंबर वन और फाइव में रिंग बन गया है तो वेयर इज काबर नंबर सिक्स तो इसके लिए मैं आपको आपके मामले पिक्चर लाता हूँ किसकी एक बोट की वो बोट जो बाद पैमा से चलती है सेलर सेल से चलती है आपको पता है कि अगर ये मेरे पास एक बोट है समथिंग लाइक इट मेरे पास बोट है तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक वो कपड़ा लगाया होता है जो हवा की वजह से कश्ती को मूव करने में हेल्प कर रहा होता है मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर सेल ये इस पर्टिकुलर बोट के एट राइट एंगल लगा हुआ होता है राइट right. सो so, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बोट अब अगर ये वाला रिंग आपके पेपर के साथ साथ ड्रॉ हुआ हुआ है तो कार्बन नंबर फाइव इज सॉरी कार्बन नंबर सिक्स इज बेसिकली प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर ये है कार्बन नंबर सिक्स की पोजीशन ये कार्बन नंबर सिक्सिक्स सो दिस वन इज काबा नंबर थ्री काबन नंबर फोर एंड काबा नाम होता कैसे है होगा सुट ऐसे कि जब ये वाला एज ये वाला एज सेकेंड लास्ट काबन का एज इसके पास मूव कर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस बॉन्ड के ब्रेक हो जाने की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फारे हो जाएगा यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी फारे है राइट कार्बन नंबर वन का इलेक्ट्रॉन फारिग है और कार्बन नंबर फाइव का इलेक्ट्रॉन फारे है। ये दोनों इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन फिर एक दूसरे से शेक एड कर लेते हैं थ्रू ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन है काबा नंबर वन को फाइव से जोड़ेगी और बन जाएगा रिंग आखिरी काम क्या रह जाएगा कि आपने सिर्फ देखना है कि काबा नंबर वन पे क्या लगा हुआ था जाहिर एच एंड ओ एच यहाँ पे लगा हुआ था जाहिर एच एंड ओ एच यहाँ भी लगा हुआ था एच एंड ओ एच लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ था यस सेम एच एंड ओ एच अब काबा नंबर फाइव को देखिए। काबर नंबर फाइव पे मेरे पास तीन हैंड्स ऑक्यूपाइड तो जो बच गया उसमें क्या है ये है क्या बचा हुआ था यहां पे हाइड्रोजन तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओगे हाइड्रोजन ओ एच नहीं लगाओगे और यहाँ पे पूरा OH. तो सी सिक्स तो पे क्या लगा हुआ है सी एच टू ओ एच तो लिख सकते हो सी सिक्स मतलब छठा का बनाइए इसमें एच टू एंड ओ एच ये सिक्स कार्बन है सर राइट तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है एच टू राइट एंड ओ एच वो लिख दिया मैंने यहां सी एस टू ओ एच राइट इस तरीके से ये वाला पाउडर्ड ग्लूकोज वाटर में डलने के बाद ओपन चेन से क्लोज रिंग में कन्वर्ट हो गया है राइट इसको हम एक छोटी सी एनिमेशन के थ्रू भी आप लोगों को दिखा सकते हैं राइट दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही काफी समझें और इस पर्टिकुलर लेक्चर uh, के बाद हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अबाउट डाई सेक्राइड एंड पॉली सेक्राइड टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई ऑलवेज से टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर ग्रेट पेरेंट्स अपने माँ बाप की खिदमत करें बहुत अच्छे इंसान बने अल्लाह हाफ़िज